गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और देखिए आज बना रही हूँ मैं पालक। और आज तक मैंने तो नहीं खाई थी इस तरीके से जिस तरीके से मैं आज हूँ। इससे पहले पहले तो मैं बस उसी तरीके से बनाना आता था मुझे। ये मैं उबालने के लिए रख रही हूँ। मैंने पालक काट ली है वैसागी, तो पहले मैं उसी तरीके से बनाती थी कि काट के आलू पालक बना लिए सूखे। अब ये देखिए मैं मेरी पालक उबल रही है, मैं इसका क्या कर रही हूँ। इसमें लहसुन डाल दिया है और अब मैं डालूँगी इसमें दो तीन हरी मिर्ची, क्योंकि ये मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं थी तो मैंने, आप लोग अपने स्वाद अनुसार डालिए। और ये धनिया पत्ता काट के मैंने डाल दिया है हरा धनिया, और ये हरा धनिया और लहसुन और मिर्ची अदरक, ये देखिए अदरक डाला है मैंने थोड़ा सा। और जो पालक थी हमारी वो उबल चुकी है फ्रेंड्स, तो जो इसमें हम डालेंगे टमाटर। हाँ इसमें टमाटर भी पड़ते हैं, तो जो मेरे पास छोटे छोटे से देसी टमाटर थे ना मैंने वही डाले थे, इसीलिए इसका इतना ज़बरदस्त तो स्वाद आया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। दोस्तों आप कभी इस तरीके से बना के देखिए, अगर आप इस तरीके से नहीं बनाई है कभी तो ज़रूर बना के देखिए, क्योंकि मैं तो आज तक उसी रूटीन में बनाते आई हूँ कि बस सूखी बना ली और कुछ ये उबल गई है मेरी पालक। तो दोस्तों इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, पानी निकाल लेते हैं इसका, और मैंने आलू उबाले हुए हैं तो ये देखिए अब ये ठंडी हो गई है, तो मैं मिक्सी जार में डाल दूँगी। और मिक्सी जार में डालने के बाद इन सब चीज़ों को हम एक साथ पीस लेंगे। हाँ तो मैं बता रही थी कि मैंने आज तक इस तरीके से नहीं बनाई थी इससे पहले, तो जो इससे ये देखिए मेरी पालक पिस गई है और इसमें जो मसाले मैंने ऐड करे थे वो भी पिस गए हैं। और यकीन मानिए फ्रेंड्स इसको इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इसकी, इतना अच्छा लग रहा था टेस्ट देखने में, बहुत अच्छी लग रही थी और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी जब मैंने इसको पीसा। तो अब मैं कढ़ाई चढ़ा दूँगी और मैं मसाला तैयार कर रही हूँ। इसमें जो मसाला डलेगा तो इसमें बेसिक सा मसाला हुई हल्दी और मिर्ची, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि मिर्ची हमने उसमें भी डाली है तो इसमें थोड़ी सी डाल देंगे। और धनिया, हल्दी थोड़ी सी पड़ेगी क्योंकि वो पालक है तो वो हरी होती है और हरी हरी ही अच्छी लगती है। तो ये सब और नमक, ये सब मैंने डाल के, धनिया थोड़ी सी मिर्ची थोड़ी सी हल्दी नमक और पानी डाल के इसको फुलाने के लिए रख दिया मैंने। तो मैं बता रही थी आपको कि मैंने इससे पहले कभी भी इस तरीके से नहीं बनाई थी। तो एक पहले एक बनती है दाल डाल के पालक, गीली गीली सी बनती है, उसमें दाल डाल के हम जैसे चने की भाजी बनाते हैं वैसे ही बनती है। तो मैंने पहले वो बनाई थी और एक सूखी बनाई थी इस तरीके से। कढ़ाई मेरी इसमें क्या होता है कि जंग लग जाता है माँज के रख देने के बाद, तो मुझे मैंने दोबारा माया उसको साफ़ किया है, फिर चढ़ाई है, तेल डाल दिया है। और अब देखिए फ्रेंड इसमें मैंने मसाला डाल चुकी हूँ मैं, जो मैंने फुला के रख दिया था पानी डाल के। धनिया है उसमें, मिर्ची है, और तेल में पहले मैंने डाल दिया था थोड़ी सी हींग और लहसुन। और अब ये मैंने जो कुछ जो है सारा पालक है, इसमें टमाटर है, जो भी मैंने आपको दिखाया था वो सारी चीज़ें मैंने मिक्सी में पीसी हुई थी। इसके बाद मैंने इसको डाल दिया है क्योंकि वो मेरा मसाला भुन चुका था और वो बेसिक सा मसाला है, और इतना तो आप लोग भी जानते ही हैं कि जब वो तेल छोड़ते तो वो भुन जाता है। और उसके बाद हमें ये सब डाल देना है। और मेरे आलू उबले रखे हैं तो मैं उनको आलूओं को तोड़ लूँगी। तो पहले मेरे यहाँ पालक जब बनती थी तो समूह बनाते थे, जब मैं पालक बना देती थी तो मेरे बना हुआ तो बच्चे खाते थे और ना बड़ों को पसंद आता था, किसी को भी नहीं, लेकिन हाँ खा लेते थे कि चलो अब जो कुछ बना है, बड़े तो खा ही लेते हैं, बच्चे मना करते हैं तो। और जब से मैंने इस तरीके से बनाई है, ये मैं तीसरी बार बना रही हूँ, दूसरी बार मैं बना चुकी थी पहले, तो यकीन मानिए आप कि मैंने उसको पानी से धो के भी देसी में डाल दिया है क्योंकि इसमें अभी पानी पड़ेगा और उसमें भी काफ़ी पालक लगी हुई थी उसका मसाला, तो फिर मैंने उसको उसी में पानी डाल के थोड़ा सा इसी में डाल दिया है। ये आलू फोड़ के रखे हुए हैं मैंने, उबाल के रखे थे, दिखाए थे आपको, और खोलने लगा था जब ये सब, तो इसमें उबाल आ गया था तो मैं इसमें आलू डाल दिया।
आलू डालने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये देखिए मैंने धीमी आंच कर दी और ढक देंगे। तो पहले मैं उस तरीके से बनाती थी तो मेरे यहाँ कोई भी नहीं खाता था, खाते थे तो थोड़ा बहुत खा लिया और मुंह बनाते थे कि ये बना दिया ये। और जिस दिन मैंने पहली बार ये बनाई थी तो पालक पनीर भी फेल हो गया था, पालक पनीर को भी नहीं। जिस दिन मैं ये बनाती हूँ तो ये समझिए कि मेरा ये एक ही टाइम में ख़त्म हो जाता है, इतना सारा बनाया था मैंने। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर आप लोग इस तरीके से बनाते हैं तो आपको पता है, आप जानते भी होंगे इसका टेस्ट के कितना अच्छा टेस्ट आता है। और कुछ टेस्ट अंदर इसमें भी आ जाता है कि जो हमारे यहाँ है देसी टमाटर मिल जाते हैं, देसी हरा धनिया। ये देखिए मैं गई थी आज शाम को, हमारे घर के सामने एक पीताम्बरा मैरिज हॉल वो है तो बना है अभी नया, ये वहाँ का स्टेज है तो हम लोग गए थे वहाँ पर शाम को। तो हमने सोचा चलिए आपको दिखा देते हैं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप?